दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम एप्सन कंपनी का L805 प्रिंटर परचेस करने वाले हैं। L805 प्रिंटर परचेस करने का यही एक फ़ायदा है कि इसमें बॉर्डरलेस प्रिंटिंग होती है और इसमें नई फैसिलिटी आई है वाईफाई, मतलब आप वाईफाई के थ्रू इसमें प्रिंट दे सकते हैं। दूसरी बात, इसमें 6 कलर के इंक टैंक आते हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और फोटो लैब के क्वालिटी से भी मेल खाती है। और दूसरी बात, इसका प्रिंटिंग का जो स्पीड है वो भी एक अच्छा है। इस प्रिंटर में आप 4x6, 5x7, 6x8, 8x10 और 8x12 की प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको एक सीडी का ट्रे आता है जिसमें आप वाइट सीडी को ऊपर से जो स्टिकर लगाते हैं वो ना लगाते हुए आप इसमें डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। और साथ में अलग से एक ट्रे आता है जिसमें आप आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो वो ट्रे आपको अलग से लेना पड़ेगा, उसके साथ PVC कार्ड आपको अलग से लेने पड़ेंगे। तो दूसरी बात, इसमें खास बात यह है कि ये जो प्रिंटर है फोटो प्रिंटर, इसमें बॉर्डरलेस प्रिंटिंग होती है, जो कि मेरे पास जो L210 और 220 जो है वो ये नहीं कर सकते, इसलिए इसमें एक बॉर्डरलेस प्रिंटिंग का एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैं आज ये परचेस करने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर आज हम L805 फोटो प्रिंटर आज खरीदने जा रहे हैं और साथ ही साथ उसका हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो आज हमने L805 प्रिंटर परचेस कर लिया है और इसके लिए जो इंस्टॉलेशन है वो हम खुद नहीं कर सकते। अगर इसमें कुछ भी थोड़ा डिफिकल्टी हो गया तो प्रिंटर को वारंटी में नहीं आ सकता, इसलिए प्रिंटर को अनबॉक्सिंग करने के लिए या फिर उसमें जो इंक डालना पड़ता है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं हमें उन्हें ही बुलाना पड़ता है। और आप भी कभी प्रिंटर खरीदेंगे तो आप ऑथराइज सर्विस सेंटर के जो भी एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करके आप उनसे प्रिंटर का अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्सन के जो ऑथराइज सर्विस सेंटर से हमारे पास एग्जीक्यूटिव आए हैं और उनका नाम है मथुरा दास जी आदर। तो चलिए उनके साथ ही हम इस प्रिंटर का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम इनके साथ ही इस प्रिंटर का हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए सर, आप हमें थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए और अच्छी तरह से गाइडेंस करने के बाद जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी पता चले कि वो खुद से भी कर सकते हैं। सर्व कलर USB सिस्टम आणि प्रिंटरला जोडण्याचं कनेक्शन, पावर सप्लाय, पावर सप्लायचं केबल, आपल्याला सीडी प्रिंट करण्यासाठी सीडी प्रिंट आणि कार्ड प्रिंट, हा कार्ड प्रिंट दुसऱ्या असतात प्लास्टिक त्यासोबत फक्त सीडी प्रिंट करून येतो। Thank you.
सर्व प्रिंटचे कोड आणि बॉटल्स दिली जातात. हा लाईट ब्लिंक करायला लागतो. हा इन्स्टॉलेशनच्या वेळेस फर्स्ट टाईम असतो. हा 20 मिनिट वेळ घेतो इंचार्ज करण्यासाठी, जेणेकरून नंतर प्रिंट करेल. ती लाल लाईट कशासाठी? हा इंक आहे. इंक नसलेलं लाईट लागते? हा इंक नसेल त्यामध्ये तर लाईट लागेल. कुठले समजा सर्वच, कारण त्या इंकला टँकला सेन्सर नाही, त्यामुळे सर्वांचंच ब्लिंक करायला लागेल. बाकी हा क्लिनिंगसाठी, पॉवर आउट करण्यासाठी हा वायफाय आहे. आणि हा पेपर पिकअप, पेपर किती देतो हा त्यानुसार पिकअप करणार. ऑटोमॅटिक झालं का? नाही, हा 3 सेकंद पेस्ट करावं लागेल. हा 20 मिनिट वेळ घेतो, इन्सुलाइज होतो आहे. इथून कळलं इथपर्यंत येतो. प्रिंटर इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे आणि आपण आता ड्रायव्हर इन्स्टॉल करू सिस्टममध्ये. लगन करून आपण तिकडे